शनिवार के दिन तेल लगाना बहुत शुभ होता है। किसी भी जातक को तेल लगाने से शनिकृत दोषों से मुक्ति मिल सकती है। आप किसी भी तेल को यूज़ करते हैं तो शनि आपका शांत होता है। शनि पर तिल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है, शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे तेल के बारे में जिसका दीपक आपने रात्रि को जला दिया तो आपको शनिकृत पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और शनिकृत दोष शांत होंगे। वैसे तो किसी भी तेल को बर्न करने से, जलाने से, बत्ती जलाने से आपको फ़ायदा होता है, लेकिन जो ये मैं तेल बता रही हूँ ये विशेष कारगर होता है। इसकी मसाज भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। हेल्थ बेनिफिट तो हैं ही इस तेल के, लेकिन चमत्कारिक रूप से ज्योतिषीय प्रयोग भी इसके होते हैं। और जैतून का तेल अन्य तेलों में मिक्स करके भी आप जला सकते हैं, जैसे लौंग में मिक्स कर दें जैतून का तेल, लौंग का तेल महंगा आता है तो जैतून का तेल थोड़ा सा मिक्स कर दें, या अन्य तेलों को मिक्स करके भी आप अपना दीपक बना सकते हैं, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, या अन्य किसी भी प्रकार का तेल आप यूज़ करते हैं, आंवले का तेल, तिल्ली का तेल, सरसों का तेल और अन्य नीम का तेल, नीम का तेल का दीपक जलाने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, घर की नेगेटिविटी दूर होती है। कपूर का तेल का दीपक जलाने से आपको हर समस्या से तुरंत मुक्ति मिलती है और आपकी जो घर है वो पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है। कपूर का तेल ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सभी तेल जो मैं बता रही हूँ ना, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन तो आप मंगा ही सकते हैं, लेकिन पंसारी की दुकान पे भी ये सभी तेल मौजूद होते हैं और आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये नॉमिनल से चार्जेस में मिलते हैं, छोटी शीशी होती है और नॉमिनल से चार्जेस होते हैं मेरे हिसाब से तो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरसों का तेल बहुत शुभ होता है और सरसों के तेल का दीपक जलाने से ही शनि की शांति हो जाती है। अगर आप पीपल के वृक्ष के समीप सरसों का तेल का दीपक जलाते हैं या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं तो आपकी नौकरी में आई हुई हर बाधा शांत होती है, पारिवारिक क्लेश समाप्त होते हैं और आपको शारीरिक जो कष्ट हैं वो भी समाप्त होते हैं और शनि की पनौती शांत होती है। तो आज आपको बताने वाले हैं ऐसे तेल के बारे में जिसका दीपक आप रात्रि को शयन कक्ष में लगाएंगे तो आपके घर की हर नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपके घर में खुशहाली आएगी और बहुत पैसा आएगा। पैसे की कामना किसको नहीं होती। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे तेल का दीपक लगाना है। अगर आप ये जो तेल है मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है जैतून का तेल, ये हर घर में मौजूद होता है। ये जैतून का जो तेल है बहुत फ़ायदा करता है और शारीरिक सौष्ठव बढ़ाता है, शारीरिक पुष्टि करता है, सौंदर्य बढ़ाता है और इसके बहुत अलग बेनिफिट हैं स्वास्थ्य संबंधी, सौंदर्य संबंधी। लेकिन अगर आप जैतून का तेल का दीपक अपने शयन कक्ष में रात्रि को जला देते हैं शनिवार को, ये मंत्र बोलते हुए ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमे, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमे, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमे, जितने ज़्यादा जप इसके करेंगे, शनि मंत्र है ये, और उससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और शनिदेव आपसे नाराज़ नहीं होंगे बल्कि आपको आशीर्वाद देंगे। तो शनि को तेल चढ़ाइए अगर आप शनि के कष्ट से हैं और शनि आपको परेशान कर रहे हैं, मान सम्मान में कमी हो रही है, शत्रु बाधा बढ़ रही है, पैसे की कमी हो रही है, घर में कलेश रहता है, नेगेटिव थिंकिंग हो गई है हर व्यक्ति की, तो शनि को शांत करना आवश्यक है। और शनि की शांति के लिए तिल चढ़ाएँ और काला कपड़ा चढ़ाएँ और काले उड़द भी आप चढ़ा सकते हैं, लोहा चढ़ाएँ किसी न किसी रूप में, काजल की डिब्बी चढ़ाएं, काली छतरी का दान भी बहुत शुभ होता है और काली छतरी भी घर में नहीं होनी चाहिए। टूटी फूटी अवस्था में अगर आपके घर में काली छतरी पड़ी है और आपको शनिकृत कष्ट परेशान कर रहे हैं तो उस छतरी को या तो सुधार लीजिए और किसी गरीब इंसान को दे दीजिए। अभी गर्मी पड़ी है, बहुत पुण्य का काम होगा और छतरी का दान तो वैसे भी बहुत शुभ होता है, जब मौका पड़े छतरी का दान आपको अवश्य करना चाहिए और काले रंग की ही छतरी दान में देनी चाहिए गरीब मनुष्य को या ब्राह्मण को, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जैतून का तेल का दीपक अवश्य लगाइए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो शनिकृत दोषों से मुक्ति के लिए शनि का विधान अवश्य करें। शनि का व्रत भी आपको फ़ायदा दे सकता है। अगर आप कुंभ लग्न के हैं, मकर लग्न के हैं, वृषभ लग्न के हैं और तुला लग्न के हैं
तो आपकी कुंडली में शनि राजयोग कारक होते हैं और राजयोग को बढ़ाने के लिए आप शनिवार का व्रत करते हैं, शनि मंदिर डेली जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है और आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है, आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, आपको हर तरफ मान सम्मान मिल सकता है, शिक्षा में कोई कमी आ रही है तो शिक्षा आपकी पूरी होने लगती है, शत्रु बाधा समाप्त होने लगती है, रोग रिपु ऋण समाप्त होते हैं शनि की कृपा अगर आप पर बन जाए। और शनि की कृपा पाने के उपाय हमने आपको बताए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, इसी तरह की वीडियो लाती हूँ। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। थैंक यू सो मच।